अच्छा जीके जीएस में कितना आपने किया टोटल? भाई सब टोटल एक्यूरेसी 99.9 ना, आपने गजब कर दिया। मतलब एक बार ना सभी लोग यार ताली बजा देना जो भी लोग हैं यहाँ पर, ठीक है यार। यहाँ पर दोस्तों अभी हम हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम सेंटर पर, और यहाँ पर आप क्राउड भी देख रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा क्राउड। यहाँ पर एग्जामपुर के टीम भी आए हुए हैं, तो सर से एक बार बात कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? संजीत कुमार, करंट अफेयर फैकल्टी। तो करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं एग्जामपुर में? जी जी जी। तो यहाँ पर आप लोगों का टीम भी आए हुए हैं? जी हाँ जी। तो अभी हम बच्चे लोग का वेट कर रहे हैं, और मुझे लगता है पाला शिफ्ट खत्म हो गया, तो वो सारे चीज डॉक्यूमेंट मतलब कि पेन कॉपी लेकर 5-10 मिनट में निकलते ही होंगे। और यहाँ पे जो सामने चारों तरफ भीड़ देख रहे हैं, तो कुछ तो पाले शिफ्ट के पेरेंट्स लोग होंगे जो इंतजार करेंगे, और दूसरे शिफ्ट वाले भी होंगे बहुत सारे। तो दूसरे शिफ्ट के भी स्टूडेंट्स यहाँ पर पहुँच चुके हैं, है ना? कुछ ही लेते हैं। आप लोग का पेपर है? हाँ भाई, पेपर है। सेकंड शिफ्ट में? सेकंड शिफ्ट में। इन भाई का सेकंड शिफ्ट में पेपर है। और यहाँ पर और अच्छा, कैसा लग रहा है 5 सालों के बाद? अच्छा, तो आप तो वो 3 साल रिलैक्सेशन मिला होगा, तो आपको फायदा मिला? ना ना भाई, मेरी तो अभी उम्र बच रही थी वैसे। अच्छा, बच रही थी। चलो, पर यू है कि अब लास्ट टाइम पर डर तो लगेगा ये पेपर के टाइम है, तो अब हड़बड़ाहट सी हो रही है। जो शिफ्ट में जो ज्यादा पढ़ा रहा था उसे डर लगती है, और जो नहीं पढ़ा होता वो जाकर 200 में से 400 क्वेश्चन भी करके आता है। रीजनिंग में सबसे ज्यादा टाइम उसी में लग रहा है। चलिए चलिए, रीजनिंग की तो बात करेंगे ही, मैं जीके जीएस पढ़ाता तो उस पर बात करूंगा। जीके जीएस के बारे में बताएं। जीके जीएस की सर आपकी जो क्लास सुबह मैं लेता हूँ यूट्यूब पर। अच्छा, आप डेली सुबह करंट अफेयर वाली क्लास से हैं? डेली, उससे तो मुझे ज्यादातर क्वेश्चन उसी में से मिले हैं। चलिए चलिए, तो मैं तो चलो ठीक है। वहाँ कितने दिनों से सुबह वाली क्लास में हो? मैं पिछले 1 महीने से। 1 महीने से कम 50% वहाँ से आ गया होगा। तो जीके का रहा कैसे ओवरऑल? जीके का तो सर बिल्कुल नॉर्मल है, जो आपसे पढ़ा एग्जामपुर टीम से पढ़ा बिल्कुल उसी में से ही, ये मान लो एक भी क्वेश्चन। अच्छा, जीके जीएस में कितना आपने किया टोटल? भाई साहब टोटल एक्यूरेसी 99.9। ओ भाई साहब, ये जीके जीएस में जहाँ पर हम लोग बोलते थे स्टूडेंट से कि आप कम से कम 30 करके आ जाना, आपने गजब कर दिया। मतलब पूरा का पूरा, और एक्यूरेसी भी लगभग 100% ही बोल रहे हैं, 99% बोल रहे हैं। जी सर, 35 तो मान लूं? जी सर, 35। भाई एक बार ना सभी लोग यार ताली बजा देना जो भी लोग हैं यहाँ पर, ठीक है यार, शाबाश। तो आज ये बच्चे आप लोग का पेपर है अभी की दे लिए? सेकेंड शिफ्ट में। तो आप लोग ना अभी जीके जीएस को सोचे तो ज़्यादा खुश भी नहीं होना है, और जब वो उसके लिए सोचे रीजनिंग के बारे में सुने कि ज़्यादा टफ है, तो नाराज़ भी नहीं ना हो, सकता है कि अपोजिट भी हो सकता है। देखो ये जीके जीएस इसमें आसान आया ना, तो सारे स्टूडेंट के लिए आसान होगा। अगर इन्होंने 37 किया, तो सामने वाला भी, सारे बच्चे वो भी पढ़े ही हैं ना, ऐसे थोड़े गए होंगे, वो भी मेहनत किया, तो वो भी 33-35 करेंगे। रीजनिंग का टफ है तो भी, तो जितना अभी पढ़ कर गए कुछ सोचना नहीं होता, एकदम मस्त करके जाओगे, मस्त करके आओगे ना, ठीक है। अब की बार मस्त एकदम वर्दी और मम्मी पापा के लिए, ठीक है। और कुछ बताए मैथ वगैरह के लिए? मैथ के बारे में क्या बताएंगे? मैथ के बारे में सर यही कहना है, मैथ में जो है लगभग नॉर्मल ही है। मैथ मतलब आपका साफ साफ शब्दों में ये कहना है कि रीजनिंग ने थोड़ा सा रुलाया है? जी, रीजनिंग ने थोड़ा। मैंने देखा कथन वाला क्वेश्चन का वो लंबाई ज्यादा दी, पढ़ने में समय लगा होगा? समय ज्यादा लग रहा था सर, उसी की वजह से थोड़ा मतलब उसमें से ही थोड़ा काम खराब हुआ है, और कुछ नहीं। और DI आया हुआ था? DI नहीं हुआ था। अच्छा, एग्जामपुर की टोटल हिंदी एग्जामपुर की है, मतलब कि विवेक सर की, जितने मैंने विवेक सर की क्लास ली है हिंदी की, टोटल हिंदी उसी में से ही है। पिछली क्लास कंपेयर कर लो और आज की क्लास जो लाइव चल रही है वो कंपेयर कर लो। वाह साहब, चलिए ऑल दी बेस्ट बच्चे, और उम्मीद है कि ऑल दी बेस्ट। चलिए सर से रीजनिंग में क्या था, क्या प्रॉब्लम रहा रीजनिंग में? तो सर के रीजनिंग की मैंने परसों रात में 2 बजे सर की क्लास थी, रात में दो बजे क्लास ली थी सर की, उसमें रीजनिंग में बस वही थोड़ा ये कथन निष्कर्ष, कथन वाले में प्रॉब्लम है, बाकी तो किसी में प्रॉब्लम नहीं रहा, बाकी सब नॉर्मल है। ये डायरेक्शन सा था जो मैंने पढ़ाया, बिल्कुल बिल्कुल सटीक, वही बिल्कुल पूरा 50+ स्कोर करके आए हो? जी सर। चलो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया।